लोगों को स्वागत है आपका ऑक्सफोर्ड लेन में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे मित्रों डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रस्ट मी, दिस हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। एंड इफ यू एनालाइज द पेपर ऑफ यूपीपीसीएस 2021 के पेपर की अगर हम एनालिसिस करें, विच वॉज हेल्ड ऑन 24th of October, तो आप देख सकते हैं इस बात को कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्टली आर्टिकल से और अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए थे पॉलिटी सेक्शन में। तो आर्टिकल पे मैंने जो वीडियो बनाया था, मैं दावा करता हूँ कि अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपके आर्टिकल के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाए होंगे, क्योंकि सारे आर्टिकल्स डायरेक्टली मेरे वीडियो से आए हुए थे। मैंने उन सारे आर्टिकल को कवर किया था एज अ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। और इसी तरीके से आज हम एक इनिशिएटिव आपके सामने लेके आए हैं, दिस इज अमेंडमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन सारे अमेंडमेंट एक वीडियो में डिस्कस करना विल बी डेफिनेटली अ लेंथी वीडियो। इस वजह से इसको आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी जो होगी वो भी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी, इस वजह से आप रिटेन नहीं कर पाएंगे उस ज्यादा फैक्ट को। तो हमने क्या किया है कि 5-5 के सेट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलिए, अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो अंडर आर्टिकल 368, मैंने आर्टिकल में भी बताया था और आप सब जानते भी होंगे कि आर्टिकल 368 के तहत इंडियन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द नीड ऑफ द टाइम। जिस तरह से समय की जरूरत हो, वर्तमान समय में जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है पार्लियामेंट को, उस हिसाब से पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है उसके आर्टिकल्स में। लेकिन इसके लिए भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस आया था जिसको आप सेवियर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसको कहा जाता है केशवानंदा भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया साफ साफ कि भाई एक बात सुन लीजिए कि अगर लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दी और उसने साफ साफ इस बात को कह दिया कि लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर सके। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम, केस बाय केस, सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट तैयार कर दी, जैसे जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिस्लेचर अमेंड नहीं कर सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हो जाता है वो होता है फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट? इस वजह से है क्योंकि एक तो नंबर है, सबसे पहला अमेंडमेंट था, और इसके कंटेंट की वजह से भी। इसमें हमने क्या किया था, इसमें पार्लियामेंट ने क्या किया था कि 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। अब 9th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, हमको क्या करना था कि हमारा एक कंसेप्ट था थोड़ा सा इकोनॉमिक इक्वलिटी का, क्योंकि आजादी से पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बहुत थी। 1947 की अगर मैं बात करूँ, 1947 से पहले या 1950 से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा थी। जमींदारी सिस्टम के थ्रू आप जानते थे, जमींदारी और जागीरदारी सिस्टम अगर मेडिवल में आपने पढ़ा ही होगा तो आप जानते हैं कि इसमें किस तरह से लैंड जो था या जो इकोनॉमी थी या जो वेल्थ था वो किस तरीके से एक लोअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में, एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन में किस तरीके से वो कंसंट्रेटेड था। और अगर वेल्थ या पावर किसी भी तरीके से अगर कंसंट्रेटेड हो सिंगल हैंड में तो दिस डेफिनेटली रिजल्ट्स इन अ टायरनी इन द सोसाइटी। तो इसको एबॉलिश करने के लिए, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए हम लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, लैंड पे सीलिंग लगाई हमने, और इसको जुडिशियल स्क्रूटनी और जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए हमने क्या किया कि एक 9th शेड्यूल को ऐड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये बोल दिया कि वो सारे आर्टिकल, वो सारे अमेंडमेंट या वो सारे लॉ जो कि 9th शेड्यूल में डाले जाते हैं वो सारे क्या होंगे, जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर होंगे। हालांकि जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाया गया, ये तो 1951 की बात है, जब 1973 का शायद केस था केशवानंद भारती केस, जब ये लाया गया, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जब प्रोवाइड किया गया तो इसमें ये साफ बोल दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है भाई ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। इसके तहत फिर ये बोला गया कि ऐसा है कि 9th शेड्यूल में डेफिनेटली कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे, कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे, लेकिन इसके लिए एक डेट निर्धारित कर दी गई। 1973 बोला गया कि 1973 से पहले जितने भी एक्ट या अमेंडमेंट 9th शेड्यूल में ऐड किए गए हैं दे आर डेफिनेटली आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, लेकिन इसके बाद जितने ऐड किए जाएंगे वो जुडिशियल स्क्रूटनी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि जुडिशियल स्क्रूटनी भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक। दूसरा, फर्स्ट अमेंडमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज और ऐड की गई थी,
वो क्या थी कि आपका जो फंडामेंटल राइट आपको प्रोवाइड किया जाता है ना आर्टिकल 19 के तहत, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसमें भी आप जानते हैं कि जो राइट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, उसमें भी कई सारे एक वैल्यूएबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसी रिस्ट्रिक्शंस की लिस्ट में तीन रिस्ट्रिक्शन और ऐड कर दिए गए। पहला ये था कि किसी भी तरीके से फ्रेंडली रिलेशन जो है इंडिया का अलग अलग देश के साथ वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। दूसरा था कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये था, पब्लिक ऑर्डर था ये, और तीसरा ये था कि आप किसी को इंसाइट नहीं कर सकते। ये भी आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि आप किसी को कोई ऑफेंस कंडक्ट करने के लिए इंसाइट कर दें अपने फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रयोग करके। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूएबल रिस्ट्रिक्शंस और ऐड किए गए थे आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब हम दूसरा जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो है नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था? ये 1960 में आया था। इसके पीछे की कहानी यूं है कि एक बेरुबरी नाम की टेरिटरी थी जो कि इंडियन टेरिटरी का पार्ट हो गई थी। बेरुबरी नाम का एक स्थान था जो कि इंडियन टेरिटरी का पार्ट था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पे क्लेम किया और इंडिया ने भी बड़प्पन दिखाते हुए ये कहा कि डेफिनेटली ये पाकिस्तान का ही पार्ट था, इसको पाकिस्तान को ही जाना चाहिए था, ये गलती से इंडिया के पास आ गया। और आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, लेकिन 1959 या 1958 में नेहरू साहब ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने बोला कि बिल्कुल हम बेरुबरी जो है ये पाकिस्तान को वापस कर देंगे। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने आर्टिकल 143 का प्रयोग कर लिया, और आर्टिकल 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से ये एडवाइस मांगी। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है मित्रों कि वो सुप्रीम कोर्ट से कोई लीगल एडवाइस मांग सकता है। तो उन्होंने ये एडवाइस मांगी कि एक बात जरा मुझे बताइए कि आर्टिकल टू जो है इसके तहत डेफिनेटली हम कोई फॉरेन टेरिटरी जो है वो इंडियन टेरिटरी में ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल 3 के तहत हमारे यहाँ जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री को, उनके नेम को, फलाना ढिकाना को हम अल्टर कर सकते हैं। क्या इन दोनों आर्टिकल के तहत हम कोई टेरिटरी, अपनी जो इंडियन टेरिटरी है वो किसी फॉरेन स्टेट को दे भी सकते हैं, सीड भी कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो क्या ऐसा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जी हाँ, ये अगर आपको बरूबरी पाकिस्तान को सीड करना है तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश का पालन करते हुए नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, और इसके तहत बरूबरी जो कि पाकिस्तान का पार्ट थी, इंडिया ने वो पाकिस्तान को वापस कर दिया। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज 24th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को उस पर एसेंट देना मैंडेटरी है, प्रेसिडेंट उस पर एसेंट देगा ही देगा। ठीक है, 36th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 36th अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम जो कि इनिशियली 1975 से पहले चोग्याल डायनेस्टी इस पे रूल किया करती थी, यहाँ पे एक मोनार्क सिस्टम था, ये डेमोक्रेसी नहीं था सिक्किम 1975 से पहले। हालांकि 1950 से जब हमारा कमेंसमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और इंडिया बिकम्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो इस समय से ही सिक्किम एज अ प्रोटेक्टरेट टेरिटरी ऑफ इंडिया था। इंडिया की ये जिम्मेदारी थी कि सिक्किम को वो फॉरेन इन्वेजन या फॉरेन अटैक से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन 1975 में जब चोग्याल डायनेस्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे तो सिक्किम ने ये गुहार लगाई कि सिक्किम को इंडिया में एज अ इंडियन स्टेट ऐड कर लेना चाहिए। तो 1975 में इंडिया ने फिर से एक अपना बड़प्पन दिखाया और वहां पे एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया वहां की जनता का राय जानने के लिए, और 97.5% अप्रोक्सली वहां की जनता ने इस बात का समर्थन किया कि सिक्किम जो है वो इंडियन टेरिटरी में, इंडियन पार्ट में या इंडियन एम्पायर में ऐड होना चाहता है। ठीक है, और फिर उसको पूरी ही इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ सिक्किम को 22nd स्टेट का दर्जा प्रोवाइड किया गया। और इस दिन से 1975 से क्या है, सिक्किम जो है वो भारत की टेरिटरी है और भारत का एक फुल फ्लेजेड स्टेट है। 39th अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 39th अमेंडमेंट जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। और कहानी ऐसी है कि इंदिरा गांधी जी को राज नारायण साहब ने इन पे एक एलिगेशन लगाया था। इन्होंने एक एलिगेशन लगाया था कि इंदिरा गांधी जी जो है भाई वो स्टेट मशीनरी या पब्लिक रिसोर्स का, जो पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं, स्टेट रिसोर्सेज होते हैं, उनका प्रयोग करके अपने इलेक्शन को जीती हैं। और इसमें आप विश्वास करेंगे कि अलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको गिल्टी भी पाया और इनसे, इनको एमपी, इनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो पोस्ट था उससे इनको बर्खास्त कर दिया गया और इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप प्राइम मिनिस्टरशिप से भी रिजाइन करें।
साथ ही साथ इनको 6 साल के लिए बैन भी कर दिया गया कि आप फर्दर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद 6 महीने की इनको मोहलत दी गई कि 6 महीने तक आप अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को भाई क्या कर सकती हैं, आप प्राइम मिनिस्टरशिप अपनी निभाइए जब तक हम इस केस पे आपके इस पिटीशन पे फैसला नहीं दे सकते दे देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को जो ये 6 महीने की मोहलत मिली, इसी के अगले दिन ही उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से गुहार लगाई और 1975 में मित्रों इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिसे ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है कई सारे इंटेलेक्चुअल्स द्वारा, ठीक है। और ये इमरजेंसी जब घोषित कर दी गई 1975 के तहत, तो इसी इमरजेंसी के दौरान ये 39th अमेंडमेंट लाया गया। इस पूरे केस से आप ये समझ सकते हैं कि एक्ट क्यों लाया गया था। इसमें साफ साफ ये बोला गया, देखिए कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर, 4 लोग हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का जो इलेक्शन है ये चैलेंज नहीं हो सकता। दिस इज बियॉन्ड चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों लाया गया होगा। इन्होंने जुडिशियल रिव्यू इसके लिए बंद कर दिया, कहा कि ऐसा है कि आप इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर के इलेक्शन का जो भी मुद्दा होगा वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बिल्कुल नहीं, ये जो 39th अमेंडमेंट एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया था, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और अमेंडमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और ऐसे ही 5-5 के सेट में हम पूरे अमेंडमेंट्स को सीख लेंगे। मैं दावा करता हूं कि इससे बाहर कोई अमेंडमेंट आपके पेपर में नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो आप बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन आप उसको सॉल्व करने में के सक्षम होंगे। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ऑक्सफोर्ड लेन, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।